हेलो बच्चों, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए गरीब बच्चे की कहानी। तो आप मेरे साथ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा कि एक गरीब बच्चे की कहानी क्या है, वो क्या सपने देखता है और उसकी सोच क्या है, क्या उसके सपने हैं। मेरे साथ देखिए, एक बच्चा रहता है, वो एक कार को निहारता रहता है खड़े खड़े। कार वाले आदमी ने देखा कि एक बच्चा उसकी कार को निहार रहा है। उस व्यक्ति को उस बच्चे पर दया आ गई और वह व्यक्ति उसके पास जाकर उस बच्चे को बोला, तुम कार में बैठोगे? बच्चे ने बोला हाँ। वह व्यक्ति उसको कार में बिठाकर ले गया। बच्चे ने कार में बैठने के बाद उस व्यक्ति को बोला, आपकी कार बहुत ही अच्छी। उस व्यक्ति ने बोला, मुझे ये कार मेरे भैया ने उपहार में दी है। तब उस आदमी ने फिर बोला, मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रहे हो, तुम भी ऐसी कार लेना चाहते हो ना? उस बच्चे ने बोला, नहीं, मैं भी आपकी भैया की तरह बनना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे भी तो छोटे भाई बहन हैं और मैं भी उनके लिए ऐसी कार लेना चाहता हूँ, उन्हें उपहार में देना चाहता हूँ। थॉट ऑफ द डे क्या है, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या निकला, कि अपनी सोच को ऊंचा रखो, आज की अपेक्षाओं से भी कहीं ज़्यादा ऊंचा, सोच ऊंची होनी चाहिए तो सपने अपने आप साकार हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।